सो गाइस T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच नंबर 29 इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच मैच खत्म हो चुका है एंड जो मैच है वो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम 26 रनों के साथ जीत चुकी है। यहाँ पे इंग्लैंड के पास अभी टोटल 8 पॉइंट्स हो चुके हैं एंड यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड यहाँ पे ग्रुप वन से अब कौन सी दूसरी टीम हो सकती है जो यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्या इंग्लैंड का अभी भी रास्ता क्लियर हुआ है कि नहीं वो भी मैं आपको बताने वाला एंड ग्रुप टू का भी पॉइंट्स टेबल पे हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो गाइस वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रुप वन का मैच हुआ था कल, तो गाइस यहाँ पे हम सिर्फ ग्रुप वन को ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, ग्रुप टू को डिटेल में हमने लास्ट में एनालाइज किया था। अगर आप ग्रुप टू को डिटेल में एनालाइज जानना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप टू का आपका फेवरेट टीम ग्रुप टू में, तो आप लास्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ग्रुप वन में अभी सबसे नंबर एक यानी कि पहले स्थान पे है इंग्लैंड की टीम। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने कुल यहाँ पे 4 मैचेस खेले, अपने 4 मैचेस में 4 मैचेस जीतने के साथ इनके पास टोटल 8 पॉइंट है एंड इनका नेट रेट है +3.183 का। तो गाइस यहां पे इंग्लैंड की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है यानी कि सेमीफाइनल हमें देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज़ यहां पे इंग्लैंड के पास टोटल 8 पॉइंट्स हो चुके हैं एंड यहां पे 6 पॉइंट्स पे जो टीम है वो यहां पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन यहां पे इनके पास टोटल 8 पॉइंट हो चुका है लेकिन अभी भी ऑफिशियली क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब इसका रीजन ये है, बिकॉज़ यहां पे साउथ अफ्रीका की टीम एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये दोनों टीम्स अभी भी 8 पॉइंट तक पहुंच सकती है एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम के मैचेस अलग अलग टीमों के साथ है, दोनों टीम्स के एक बार मुकाबला नहीं होगा। तो यहां पे साउथ अफ्रीका की टीम भी 8 पॉइंट पहुंच सकती है एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 8 पॉइंट पहुंच सकती है। अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने दोनों मैचेस जीत जाती है बड़े मार्जिन से एंड जो नेट रेट है वो यहां पे इंग्लैंड से बेहतर हो जाता है, तो यहां पे साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम इनको ओवरटेक कर देगी, इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान पे आ सकती है। तो गाइस यही है, बस इंग्लैंड की टीम को आखिरी मैच कम मार्जिन से हारना है एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक टीम को अपना आखिरी मैच या फिर दो में से कोई सभी मैच हारना होगा। कोई भी टीम जैसी मैच हार जाती है तुरंत यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को ऑफिशियली क्यू का मार्क आ जाने वाला है। यही रीजन है अभी तक इनको क्यू मार्क अभी तक नहीं मिला, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाई लगभग कर ही चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पे है साउथ अफ्रीका की टीम। जहाँ दो साउथ अफ्रीका की टीम ने कुल यहाँ पे 3 मैचेस खेले, अपने 3 मैचेस में से 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, 4 पॉइंट के साथ इनका नेट रेट है +0.210 का एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अभी भी 2 मैचेस बचे, इनको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने हैं, इनको बचे हुए 2 मैचेस में से दोनों मैचेस जीतने होंगे एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका के आने वाले 2 मैचेस है बांग्लादेश एंड इंग्लैंड के खिलाफ एंड कैसे भी करके दोनों मैचेस जीतने हो गए एंड दोनों मैचेस जीत जाती है तो ऑफिशियली यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं तीसरे स्थान की, तो गाइस पॉइंट्स टेबल पे तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल यहाँ पे 3 मैचेस खेले, अपने 3 मैचेस में से 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, 4 पॉइंट के साथ इनका नेट रेट है -0.627 का एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 2 मैचेस बचे एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो गाइस ऑस्ट्रेलिया को भी अपने बचे 2 मैचेस में से दोनों मैचेस जीतने हो गए एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आने वाले 2 मैचेस है बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी बस यहाँ पे एक ही चीज करना है, कैसे भी करके दोनों मैचेस जीतने होंगे, डू डाई मैचेस है एंड कैसे भी करके 2 मैचेस जीत जाती है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी लगभग क्वालिफाई कर जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं चौथे स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे चौथे स्थान पे है श्रीलंका की टीम। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने कुल यहाँ पे 4 मैचेस खेले, अपने 4 मैचेस में से 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 2 पॉइंट के साथ इनका नेट रेट है -0.590 का एंड यहाँ पे श्रीलंका की टीम आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश की तरह ये भी सेमीफाइनल के रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कैसे भी करके साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों 2 टीम से इनको एक भी मैच नहीं जीतना है। अगर साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम एक भी मैच जीत जाती है तो यहाँ पे श्रीलंका की टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएगी, अदरवाइज दोनों ही टीम से यहाँ पे अपना आखिरी मैच हार जाती है एंड श्रीलंका की टीम अपना आखिरी मैच बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतती है एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से इनका नेट रेट बेहतर हो जाता है, तो यहाँ पे श्रीलंका की टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। बस यही सिनेरियो निकल के आ रहा है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में से किसी भी टीम को
मतलब कि आज जो दो मैच है इनमें से एक भी मैच यानी कि 6 पॉइंट तक इनको नहीं पहुंचना है। तो चलिए सब बात करते हैं पांचवें स्थान की। दुगा जब पॉइंट्स टेबल पे पांचवें स्थान पे है वेस्ट इंडीज की टीम। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम ने कुल यहां पे 3 मैचेस खेले, अपने 3 मैचेस में से एक मैच जीती है, 2 मैच हारी है 2 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है -1.598 का। एंड यहां पे वेस्ट इंडीज के अभी भी 2 मैचेस बचे हैं, इनको सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने हैं। तो गाइस अभी वेस्ट इंडीज को अपने बचे हुए 2 मैचेस में से दोनों मैचेस जीतने होंगे। एंड यहां पे वेस्ट इंडीज के आने वाले 2 मैचेस है श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वेस्ट इंडीज को कैसे भी करके 2 मैचेस जीतना होगा। वेस्ट इंडीज की टीम अगर दोनों मैचेस जीत जाती है तो यहां पे दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम अभी भी क्वालीफाई कर सकती है। अब सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दोस्तों कैसे भी करके साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मैच जीत सकते चलेगा। अगर दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसे भी करके जीत जाती है तो यहां पे वेस्ट इंडीज का पत्ता कट हो जाने वाला है। यानी कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की जो दोनों टीम्स है इनको कैसे भी करके 8 पॉइंट तक नहीं पहुंचना। ये साफ साफ ये लॉजिक आप लगा ही सकते हैं। वेस्ट इंडीज के आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम अपना आखिरी मैचेस में से दोनों मैचेस जीतती तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम तो एक मैच जरूर हारेगी। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से जो मैटर कर रहा है वो कर रहा है बस साउथ अफ्रीका को कैसे भी करके हारना, यानी कि इंग्लैंड की टीम एंड जो साउथ अफ्रीका की टीम का जो मैच होगा वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा वेस्ट इंडीज के लिए। एंड अगर वेस्ट इंडीज की टीम आखिरी के दोनों मैचेस हार जाती है तब यहाँ पे और भी ज्यादा डिपेंडेबल हो जाएगा मैच। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हाँ वेस्ट इंडीज की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। अब दोस्तों बात करते हैं छठवें स्थान की। तो गाइस अभी पॉइंट्स टेबल पे छठवें स्थान पे है बांग्लादेश की टीम। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने कुल यहाँ पे 3 मैचेस खेले, अपने 3 मैचेस हारने के साथ इनके पास टोटल 0 पॉइंट है। एंड इनका नेट रेट है -1.069 का। एंड यहाँ पे बांग्लादेश की टीम भी लगभग यहाँ पे सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पे बांग्लादेश की टीम भी 4 पॉइंट तक पहुंच सकती, लेकिन हाँ अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। अब इसमें सिनेरियो यही निकल के आ रहा है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज की टीम को कैसे भी करके मतलब 6 पॉइंट तक नहीं पहुंचना है। अगर 4 पॉइंट तक अगर सभी टीम रहती तो गाइस यहाँ पे बांग्लादेश की टीम भी अपना आखिरी मैच जीत के यहाँ पे 4 पॉइंट पहुंच ही सकते। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बांग्लादेश के आखिरी के 2 मैचेस साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर दोनों मैचेस यहाँ पे बांग्लादेश की टीम जीत जाती है तो ऑफकोर्स यहाँ पे साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम रुक सकती है, 6 पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे बांग्लादेश का नेट रेट भी इतना खराब नहीं है, 2 मैचेस खेल जीत के नेट रेट बेहतर बना सकती है। अगर सभी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे बांग्लादेश की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। तो गाइस यहाँ पे ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रोमांच देखने को मिल रहा है। कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, अभी तक कोई भी टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है। एंड यही इंटरेस्टिंग है, आने वाले मैचेस डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से टीम जीत सकती है। अभी तक इंग्लैंड भी ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड नहीं किए, रीजन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल थोड़ा नजर डाल लेते हो। गाइस यहाँ पे ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पे पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम ने कुल यहाँ पे 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में से 3 मैच जीते आ रही है, 6 पॉइंट है। अब यहाँ पे डिटेल में एनालाइज कर नहीं सकते बिकॉज मैंने लास्ट में डिटेल में एनालाइज कर दिया, इस वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, यहाँ पे अभी तक कोई भी टीम मतलब कि क्वालिफाई नहीं की है एंड अभी भी सभी टीम जिंदा है। एंड बात की जाए क्वालिफिकेशन की, आप में जब पता है आप में से ज़्यादातर इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बारे में जानना चाहेगा। तो गाइस यहाँ पे एक ही सिनेरियो निकल के आ रहा है, इंडिया को अपने लास्ट 3 मैच कैसे भी करके जीतने हो गए तभी यहाँ पे इंडिया की टीम 6 पॉइंट तक पहुँच पाएगी। न्यूजीलैंड को कैसे भी करके एक मैच हारना होगा एंड एक मैच हारती है तो यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम एक मैच जीत जाए तो गाइस यहाँ पे कैसे भी करके किसी भी टीम को यहाँ पे 8 पॉइंट तक नहीं पहुंचने देना है। पाकिस्तान की टीम को भी जो आखिरी मैचेस नामीबिया एंड स्कॉटलैंड के खिलाफ है उनमें से अगर एक मैच भी अगर पाकिस्तान की टीम दोनों मैचेस हार जाती है तो यहाँ पे इंडिया के बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की टीम पूरी निर्भर है न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड की टीम अब अगर आखिरी मैच कैसे भी करके या फिर कोई सा भी मैच हार जाती है तो यहाँ पे इंडिया के पास मौका बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस निकल के आने वाला है। वह भी दोस्तों बात की जाए कौन से 4 टीम्स जो यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। बात की जाए प्रेडिक्शन की तो गाइस मुझे लगता है ग्रुप 1 से इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका या
इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दो जोड़ी में से एक जोड़ी यहाँ पे ग्रुप वन से क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। एंड वहीं पे ग्रुप टू से मुझे लगता है पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये दो ग्रुप में से एक ग्रुप मतलब कि क्वालिफाई कर सकती है। बिकॉज अभी इंडिया की टीम अभी तक कोई सीनेरियो यहाँ पे इनके हक में नहीं जा रहा है। अगर पाकिस्तान की टीम एंड अफगानिस्तान की टीम एंड न्यूजीलैंड की टीम मिले अगर कोई भी एक मैच हार जाती है, तब यहाँ पे इंडिया का जो मतलब कि क्वालिफिकेशन का जो सीनेरियो है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाने वाला है। डिपेंड ये अब इंग्लैंड के अगले मैच ही में करने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों ही ग्रुप्स के दो दो टीम्स के प्रेडिक्शन कर दिए। अब दूसरे बात करते हैं अपकमिंग मैचेस के बारे में, यानी कि आज के दिन टोटल दो मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा ग्रुप वन का दोपहर के 3:30 बजे। एंड जो सेकेंड मैच है शाम का मैच, वो यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेज नामीबिया के बीच में खेला जाएगा। ये मैच ग्रुप टू का रहने वाला है। अब बात करते हैं पहले मैच के बारे में, तो कैसे हमें पहला मैच साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश के बीच में होने वाला है। मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की टीम तीन मैचेस में से तीनों मैच हारते आ रही है। वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचेस में से दो मैच जीती है, एक मैच हारी है, 4 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ पे दोस्तों मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादातर नजर यहाँ पे इसी मैच के लिए रहने वाली है। एंड अगर ये मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाती है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को एंड वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। एंड अगर ये मैच बांग्लादेश की टीम जीत जाती है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को झटका लगेगा। एंड बांग्लादेश की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस से बरकरार रहेगी, यानी कि अभी भी सेमीफाइनल से बाहर नहीं होगा। अगर बांग्लादेश की टीम ये मैच हार जाती है तो पूरी तरह बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाने वाली है। बात करते हैं शाम की मैच के बारे में, तो अगर शाम का मैच यहाँ पे पाकिस्तान एंड नामीबिया के बीच में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अगर यह मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान की टीम लगभग ऑफिशियली सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएगी। एंड नामीबिया की टीम दोस्तों यहाँ पे लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाने वाली। अगर ये मैच नामीबिया की टीम जीत जाती है तो चमत्कारी हो जाने वाला है। एंड यहाँ पे अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ये सभी टीम्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इंडियंस के फैंस यही प्रे करेंगे कि नामीबिया की टीम कैसे भी करके मैच जीत जाए। तो कैसे यहाँ पे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि दो आज के दोनों ही मैचेस कौन सी टीम जीत सकते हैं, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करोगे, एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। तो कैसे कोई बैन करते हैं, बड़ा आपको थोड़ी पसंद आए शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन और पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस मुझे आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इतने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।